वो लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था ना, समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और ये स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है, आपकी जीत होगी। मैं यहाँ पर जीत भी नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूँगी, एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वो आपके सोच से बहुत परे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए वो अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास में या रिसेंट पास में या आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, ठीक है, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे हैंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समझ लीजिए वो अपने आप को ही थप्पड़ खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं, आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुँच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं गाइस। यहाँ पर ये मैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर है, आपसे बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है, और वो इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वो जितनी भी विनतें कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है, जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, अच्छे समय में वो आपके फैमिली बनना चाहते हैं, अच्छे समय में वो आपके बहुत सगे बन रहे हैं, और आपने उनकी सारी मतलब उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, जो उनसे बन पड़ेगा ना ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है, ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लाइंड हो चुके हैं, इनके हक्के बिक्के निकलने वाले हैं, ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी, मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जैसी मैंने रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज़ें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं बेसिकली, मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, मैं बस यही बोलूँगी कि आप उन्हें ना हक्के बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सबके लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर, सो कॉल्ड एक्स लवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको इस मतलब वो इस चीज़ के लिए हैरान है कि कैसे हो गया ये, कैसे हो सकता है ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी मार गया, ये तो दौड़ने भी लग गया, ठीक है। आप ऐसा करो, सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टन स्लिप हो रहा है तो, क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मतलब मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रही है, जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करती हूँ ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रहा है,
बहुत ज़्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे, उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज़्यादा बेकदरी करी, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज़्यादा सुनाया, लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आ आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मतलब मेल झोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको संयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीज़ें करते थे। और आज जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहाँ पर एक एनर्जी और बहुत ज़्यादा पिक हुई है, सॉरी, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज़्यादा ना ये लोग लालच हो गए हैं, ठीक है। इनको ना आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फ़ायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। और देखो, बहुत ज़्यादा मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, ठीक है, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ना चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी। और ये किस लिए करी थी पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे, सीधे ब्लंट। आपको पता है मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हूँ, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी आ रही है, जिसमें पास्ट की भी हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है, आप लोग बोलते ही हो, तो होता है। ये पास्ट में है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था, कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो खाली इंसान है, मेल फीमेल जो भी हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे, और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे है कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इतने ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मतलब जिनकी भी एनर्जी मैं आज पिक कर पा रही हूँ ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे जो यूट्यूब जो भी है आप लोग आए हैं यहाँ पर, तो मेरी फैमिली ही बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे मतलब मैं उनको गाइड कर रही हूँ और वो लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट मुझे यहाँ पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत प्राउड फील कर पा रही हूँ मैं। इतने ज़्यादा आप लोग फोकस है ना अपने मतलब लाइफ में, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है, कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप चाह रहे हैं ना, वो आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस, सीरियसली, आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वो चीज़ परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं हैं, अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं, आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। आप वहाँ पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज़ आपको चाहिए डिवाइन आपको वहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वो इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। आपका जो लेवल है ना वो मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ये तो अभी पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी, ठीक है, सुबह जो मॉर्निंग में आया था उसमें भी ये सॉन्ग आया था लास्ट में, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है, आप कुछ तो कर रहे हो और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वो दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहाँ पर लोगों के गर्दन टेढ़ी होने वाली है आपको देखते देखते, ठीक है। आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो, उस ऊंचाई पर जाने वाले, जो कहते हैं ना कि देखते 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 लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सेम वही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले, क्योंकि आप उस लेवल पर जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस्ड ही नहीं है अभी, इधर उधर ध्यान उधर उधर जा ही नहीं रहा है। सॉरी अगर किसी का ध्यान है अपने और सो कोल्ड उस कह सकते हैं, सॉरी अगर मैं ये चीज़ कह रही हूँ, तो प्यार मोहब्बत में है, शादी में है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं यहाँ पर यही चीज़ें साफ साफ देख पा रही हूँ, आपकी जो एनर्जी है वो अभी अपने अचीवमेंट्स पर है, अपने गोल्स पे है, बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस्ड है और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन वो लोग भी अट्रैक्ट जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, आप उनकी मतलब जान हो शान हो जो भी हैं, ये वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा। और वो लोग जिन्होंने आपको मतलब कुछ नहीं समझा था, एक टाइम पर आपको ठुकरा दिया था, आज वो पछतावे की घूंट पी रहे हैं और बार बार ओ शिट क्या खो दिया। यहाँ पर मुझे 222 दिखा है, तो वो लोग ओ शिट करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी नैया डोलम डोल है कि क्या खो दिया, किस चीज़ को खो दिया, किस एम्प्रेड को खो दिया, क्या खो दिया आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं था कि ये जो इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, ये इसका लेवल यहीं तक नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर का है, ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा। और धन्यवाद दो उन लोगों का मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वहीं से अगर आपको ठोकर नहीं मिलती ना, तो आज आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मतलब परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतना तो नहीं करते जितना अब कर रहे हो। और क्या पता ये परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि ऐसे कार्मिक लोग आए, आपको ट्रिगर दे, आपको ठोकर दे और आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये चीज़ यहाँ पर फिर उनका धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी, ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत मतलब होता है कभी कभी, मेरा हाइपर मतलब बढ़ जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था तब आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, उनकी कद्र नहीं करी, उनकी बेकदरी करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, वो अपनी लाइफ को पूरे तरह से वो बदलने के लिए तैयार है और यहाँ पर डिवाइन आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर, इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो इस इंसान को अचानक से आपकी याद आएगी गाइस। और ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोई एक्स लवर हो सकता है, आपको कोई लवर हो सकता है, या आपके फैमिली के कुछ लोग भी हो सकते हैं, सो कॉल्ड लोग, आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, कोई भी पास्ट का कोई भी इंसान जो छोड़ के गया था ना, वो आने वाला है और आएगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे झूठ फूट का माफ़ी मांगेगा, आपसे मतलब सॉरी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप उनकी जाल में पूरी तरह से फंस जाओ। लेकिन आपको पता है ना ये इंसान कैसे हैं, इनका लेवल क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो आपको पता है, आप अब इतने छोटे नहीं रहे, इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, इनकी चीज़ें नहीं मालूम होगी, आप इनकी सारी चीज़ों को जानते हैं, इनकी सारी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा कभी कभी यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा था ना और 444 दिखा, ओह माय गॉड, फिर से 444 लेकर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले, ठीक है, बहुत मतलब
ये 444 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और इस वजह से आपके आसपास के लोगों के ना होश उड़े हुए हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हुआ तो, वो पूरी तरह से ना, मतलब देखो ये लोग ना ऐसे लोग हैं, मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊँ, ये स्ट्रैटेजी करेंगे आने वाले टाइम में कि इस इंसान से वापस से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस इंसान से वापस से फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, इस इंसान को वापस से कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और अगर कोई एक्स लवर है ना आपका, कोई भाग गया बुरा बिस्तर लेके, आपको छोड़ गया, आपको आपकी हालत में छोड़ गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, तो ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, कहीं से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी आपके कोई हो सकता है क्लोज फ्रेंड है आपका कोई, उनसे ये आपसे मतलब बातें कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में मतलब जानकारियाँ ले रहे हैं, किसी से भी आपके आसपास में जो कोई भी है, कोई आसपास का कोई घर में काम करने वाला आता है, उनसे ये सारी जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इसमें सावधान भी रहे, देखे कौन है ऐसा आस्तीन का सांप जो आपकी जानकारियाँ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और ये कोई देखो यहाँ पर, लेकिन मुझे एक मिनट, कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा, बस वो जानकारियाँ ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी क्या है, आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया है, क्योंकि जब ये मैसेज आया तब भी मुझे 222 दिखा था और 444, अच्छा यहाँ पर मुझे 1616 भी दिखा है। तो कोई तो है जो आप में अभी 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 बहुत इंटरेस्टेड है, ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो इंसान आपको पीछे छोड़ गया था बहुत टाइम पहले, आपको ये कहकर कि तुम हो क्या। देखो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण मैं आपको बताती हूँ यही था कि आप कुछ नहीं थे उस टाइम पे, आप खाली थे, आपके पास कोई ऐसा मतलब पोजीशन नहीं था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, आप बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर थोड़े थे, आपको दिक्कत थी, फाइनेंशियली इशू भी आपके चल रहे थे, इस वजह से इंसान आपको छोड़ के गया था। और कुछ ऐसे फैमिली के भी लोग मैं देख रही हूँ उस टाइम पर, आपको ऐसे मतलब जब आपका देखा ना कंडीशन आपका ख़राब चल रहा है, आपका सही कंडीशनर नहीं है, तो आपको छोड़ के चला गया था ये इंसान, और आज ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है वापस से। ठीक है, तो इस इंसान को बिल्कुल भी आपको आने नहीं देना है, ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको सॉरी बोले, कितनी भी ये चीज़ें कर लिए, लेकिन आपको पता है इनका लेवल क्या है, आपको पता है कि ये कैसे लोग हैं, कितने लालच से भरे हुए लोग हैं, इनकी हरकतें आपको सारी चीज़ें मालूम है, कितने घटिया किस्म की सोच है इनकी, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी, मतलब इनके मन में ना भाव नहीं है, सच्चे इंसान का भाव जो होता है ना वो इन लोगों के मन में नहीं है, ये पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कि जो भी इंसान है गाइस, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी, आप लोगों को लगा कि आज क्या हो गया, मैम को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी थोड़ी हाइपर हो गई, मुझे ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है जो सबसे ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, इंसान को नहीं देते हैं, पैसा है तो सब कुछ है। जब भी ऐसे इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मैं उनको छोड़ो नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है ना, तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है जो इंसान पैसों को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं और इंसान को नहीं, और जब पैसा आता है तो वही लौट के आ जाते हैं, लौट के दुम दबा के भाग के आ जाते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो चलो भाई इस इंसान के पास चलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपके साथ देख रही हूँ, सेम यही एनर्जी मैं तो देख रही हूँ, हफ्ते भर में, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका कोई कॉल मैसेज आएगा, या वो फिर आपके घर पर ही प्रधानमंत्री आ सकते हैं, या ये कोई रिश्तेदार, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा गाइस, इतनी गंदी इसके लेवल है ना, क्योंकि ये ना आप मतलब ये देख पा रहे हैं कि आपका लेवल इनसे बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके जो मतलब फाइनेंशियली इशू चल रहे थे वो बहुत बैलेंस में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, आप अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हैं, और ये मतलब ये भी देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर ना परमपिता परमेश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है। ठीक है, आपके ऊपर मतलब देवी शक्तियाँ जो हैं, माँ भद्रकाली, श्री राधा, उनकी कृपा बरस रही है, और आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन, कहते हैं ना कि रात दुनी चौगनी इंसान करता रहता है, सेम वही एनर्जी,
मैं यहाँ पर आप लोगों को हाथ जुड़वा लूँ मुझसे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग रो रहे हो, आप लोग तड़प रहे हो, आप लोगों को कोई चाहिए नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसी एनर्जी आज कैच। आप लोगों को कमेंट्स भी मुझे आ जाएंगे कि मैम हम तो रो रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग रो रहे हो तो, अगर आप लोग किसी के लिए तरस रहे हो तो, आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए एनर्जी नहीं है। अगर आप लोग फोकस्ड हैं, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने लिए अपने कुछ अचीवमेंट्स आपने बनाए, मेल फीमेल जो भी है, हाउसवाइफ ही ये क्यों नहीं है, हाउसवाइफ के लिए भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने अपना कुछ गोल बनाए, कुछ एम है आपका, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पर कार्य कर रहे हो, या इस वीडियो के बाद ही आपके मन में ये चीज़ आया है कि मुझे मेरे सपने पूरे करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग रो, बेसिकली आप लोग रो नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप लोग नहीं रो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डिवाइन की तरफ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है। रो रहे हो तो फिर नहीं है ये मैसेज आपके लिए। हाँ, मैं आप लोगों की डांट आज लगाऊंगी आज मैं आप लोगों की डांट। अगर रो रहे हो तो, नहीं रो रहे हो तो बहुत प्राउड मोमेंट, बहुत प्राउड हो रहा है फिर मुझे आप लोगों पे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कहना ये किसके लिए रीडिंग आई है, मैं किसके लिए इतना प्राउड फील कर पा रही हूँ, कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, कौन मेरे ऐसे YouTube फैमिली के लोग हैं जो मुझे इतना ज़्यादा खुश कर रखा है, इतना ज़्यादा मेरे गर्व, मेरा जो नाक है ना वो गर्व से ऊँचा हो गया गाइस। सीरियसली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, आप लोगों से मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ ना, इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ कि मैं को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं हूँ। मैं YouTube पर जिस हिसाब से वीडियो जब से मैं बनाने लगी हूँ, साल दो साल तीन साल तो हो ही चुके हैं, मैं पूरी तरह से आप लोगों से कनेक्ट हो चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ का शर्म नहीं आता, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। हम बहुत जल्दी पर्सनल रीडिंग भी करेंगे, लाइव भी आया करेंगे, मुझे किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसा फील करवाते ही नहीं, इतना कम्फर्टेबल फील होता है मुझे। तो मैं आज लोगों की, आप लोगों की डांट लगाऊंगी अगर आप लोग रो रहे हो तो, नहीं रो रहे हो तो फिर तो आप लोगों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर ही दिया है। और यही कारण है कि वो सो कॉल्ड लोग ना, उनके हक्के बक्के निकले हुए हैं, आपने उनके छक्के छुड़ा दिए गाइस। सीरियसली क्लैपिंग करने का मेरा मन कर रहा है, सीरियसली आज मुझे क्लैपिंग करने का आप लोगों का मन कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डिवाइन की तरफ से, परम पिता परमेश्वर की तरफ से, ठीक है। सीरियसली आपकी लाइफ, ओ माय गॉड, यूनियन, आप अपने साथ ही यूनियन करने वाले हैं, यूनियन होने वाला है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखते हैं डिवाइन अभी आपको और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो फैमिली है, उनके बारे में क्या मैसेज आया है। पहली बार आए हैं तो प्लीज आरती पाठक चैनल का हिस्सा बने, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आप तो वैसे ही जब जो भी इस वीडियो तक पहुंचता है ना, मैं मेरी फैमिली बन ही जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज आया है, मे दिस वीक ब्रिंग यू मैनी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। हफ्ता शुरू हो चुका है आपके ब्लेसिंग का, ठीक है, सप्ताह शुरू हो चुका है आपके ब्लेसिंग का, आपके अबंडेंस का, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का। ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल एनर्जी। और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। सेट लिमिट्स, नॉट एवरी वन डिजर्व योर वाइब्स। देखा, ओ माई गॉड, सीरियसली डिवाइन, आपको अपने लाइट को मतलब सेट करना है, क्योंकि आपके लाइट को ना, आपके वाइब्स को हर कोई डिजर्व नहीं करता है, कोई भी नहीं आपके मतलब वाइब्स को आपके लाइट को डिजर्व कर सकता है, बहुत कम लोग। आपके जैसे सोल के लोग को ना बहुत कम ही लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, सेट लिमिट्स, नॉट एवरी वन डिजर्व योर वाइब्स। आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्स को हर कोई डिजर्व नहीं कर सकते, किसी की भी इतनी हद होनी चाहिए, ठीक है, एक लेवल होना चाहिए आपके लाइट को, आपके वाइब्स को डिजर्व करने के लिए। नहीं कर पा रहे हैं वैसे लोग जो पास्ट में ही जा चुके हैं, उनकी मैं सीधे आपको बोलूँ, आप लोगों को थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा आप लोग हो सकता है कि कैसे शब्द यूज़ करें, औकात होनी चाहिए। सीरियसली औकात होगी तो वो आपसे जुड़ेंगे, नहीं होगी तो डिवाइन वहाँ पर चुटकी बजा कर उन्हें दफा कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, ओके। और ले लेते हैं मैसेजेस, ओके। वाओ, वेकअप, अब उठ जाओ, आंखें खोल लो, उठने का समय आ चुका है। बहुत सो लिया आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सो गए,
बहुत ज़्यादा आपने सो गए, अब आपके आंखें खुलने का, आप मुझे दिख रहा है आपकी आंखें खुलने वाली है, आपकी आंखें खुल रही है। कौन आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध है, कौन आपके लिए सच है, कौन आपके लिए झूठ है, आपकी आंखें खुल रही है। वेक अप, खुल रही है, आप पटरी पर हो, एकदम राइट ट्रैक पर चल रहे हो आप। ओ माय गॉड। और कुछ मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए? डिवाइन, वेरी स्पेशल सून, बहुत स्पेशल आपके लिए कुछ आने वाला है, बहुत स्पेशल आने वाला है, वेरी स्पेशल सून, ठीक है, कुछ बहुत स्पेशल आने वाला है आपके जीवन में। ओके, बी सेल्फिश विद योर टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिजर्व इट। देखा, फिर से यही मैसेज आया है, बी सेल्फिश विद योर टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिजर्व इट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, आपको समझ आ ही गया होगा डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, एक साथ दो आ गया है, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू कुछ हमेशा से न्यू चाहते थे ना, न्यू होने वाला है। ओके, यू आर कम्प्लीटली सराउंड बाय एंजल्स, पूरी तरह से आप एंजल्स के सराउंडिंग में हैं, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, आप घेरे में हैं, आप शील्ड में हैं, आप प्रोटेक्ट हैं, पूरी तरह से टोटली सेफ हैं। डिवाइन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, ट्रिपल वन लिखकर परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, रात को सोते समय जरूर से चैंटिंग किया करें, अगर आप लोग के पास टाइम मिलता है तो, नहीं तो आप 3 बार धन्यवाद जरूर से किया करें, ठीक है, 3 टाइम थैंक यू बोला करें अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को, जो आपके आराध्य हैं, जिनको आप पूजा अर्चना ध्यान कीर्तन जिनकी आप साधना करते हैं, उनको 3 बार जरूर धन्यवाद किया करें, ठीक है, 3 टाइम थैंक यू बोला करें। ओ माय गॉड, आज कैसी एनर्जी आई है, आज मिलियंस ऑफ थॉट वाले जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें तो मैं आज इतना रोई हूँ, मेरे को ऐसा लगा क्या हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे मुझको कि आप मत रो। आई डोंट नो, बतानी अचानक से क्या हो गया, ऐसी एनर्जी आ गई कि यहाँ पर मैं हाइपर ही हो गई, वहाँ पर मैं रोने ही लगी थी, मतलब मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हुए आज एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुए हैं गाइस, और जब मैंने रीडिंग बनाई है तभी हुए, यहाँ पर मैं रॉक एनर्जी मतलब पिक कर पा रही हूँ एकदम, क्या बताऊँ आपको मैं, और वहाँ पर जो एनर्जी मैंने पिक करी वहाँ पर तो ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर आके बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ये बोलो वो बोलो वैसा करो, साक्षात मैंने जो एनर्जी आज मैंने मिलियंस ऑफ थॉट में पिक करी है ना, मैंने इससे पहले ना इधर पिक करी ना उधर पिक करी, वो रीडिंग तो आप लोग ज़रूर से देखना, ठीक है। योर एंजल्स आर नियर, फिर से यहाँ पर वही मैसेजेस, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके नियर हैं, आपके आसपास हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत प्राउड हो रहा है उनको आपको देखकर, ठीक है, बहुत प्राउड मोमेंट आपने क्रिएट कर लेना है, जल्दी करना है आपको, आप कर रहे हो ऑलरेडी लेकिन आप आगे और करने वाले हैं। ओ वाओ, लवर्स आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, ठीक है, जो पैसे वैसे से बहुत ऊपर होंगे, जो लेवल नहीं देखेंगे, जो स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे, जो एक दिल देखेगा, बस एक ऐसा दिल जो बहुत मासूम है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, जो बहुत मासूमियत से भरा हुआ है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, जो बहुत सीधा साधा इंसान है, जो बहुत ज़्यादा जो डिवाइन बीन है, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, प्योर हार्टेड है, ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है। तो वो इंसान आपके जीवन में आने वाला है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लाइफ में अच्छे लोग आने वाले हैं, ठीक है, अच्छे लोग जो आप डिज़र्व करते हो, नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है और अच्छे लोगों को आपके जीवन में भरा जा रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज फिर उनके लिए होगा जो सिंगल है, उनके लिए तो कोई अच्छा ऐसा आने वाला है जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में। अच्छा, यू आर सो लकी गाइस, सीरियसली आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, यू आर सो लकी। ओ माई गॉड, सक्सेस, वाओ, यहाँ पर लिखा भी है सक्सेस, वाओ, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाले हैं, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है सक्सेस की, ठीक है, सक्सेस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
योर बैड टाइम इज गोइंग टू एंड, आपके बैड टाइम खत्म। आपके जीवन में बैड टाइम चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, ओ माय गॉड सालों से चल रहा है, खत्म कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आप वैसा वैसा कर रहे हो तो आपका जो बैड टाइम चल रहा था ना वो एंड होने वाला है। आप एक बहुत ब्यूटीफुल साइकिल में एंटर करने वाले हो, आपका जो बैड साइकिल चल रहा था ना वो एंड होने वाला है, ठीक है। आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि करो करो करो, अगर आप लोगों की मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक आप लोग हो जाते हो तो मैं आप लोगों से फिर बोलूँगी, अच्छा लगता है तो फिर ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इरिटेट होते हो, जो भी आपके मन में जो भी ऐसी बातें होंगी, तो फिर आप लोग, ज़बरदस्ती की बात नहीं है, आप लोग नहीं कर सकते। अच्छा लगता है तो फिर तो मैं ज़िद करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने लव वंस, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, अपने जो भी आपके हैं उनके साथ शेयर।